दोस्तों, क्या आपका भी बजट सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया और आप ऐसा एक लैपटॉप लेना चाहते हैं जिससे कि आप लोग जो है GTA 5, RDR 2 या फिर आने वाले समय में GTA 6 जैसे गेम को बेहद ही आसानी से खेल पाए बिना किसी लैग और हैंग की समस्या के साथ? आपको उतना ज़्यादा समस्या नहीं होगा। आज के वीडियो में आपको इस टॉपिक पे ऑफिशियली और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग घर बैठे यहाँ पे खरीद सकते हैं। और मेरा एक दोस्त खरीदा भी है, तो मैं आपको पूरा स्टोरी लाइन समझाऊंगा। और ये 100% वर्किंग ऐप, चाहे कहीं पर भी रहते हो, आपके घर के पास जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा 100% रियल। सारा तरीका मैं आपको डेप्थ में जाके डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सेकेंड हैंड यहाँ पे लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ, फर्स्ट हैंड आप जाएंगे खरीदने के लिए तो फर्स्ट हैंड तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है लैपटॉप, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको 10,000 रुपये में कहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड लैपटॉप मिल जाएगा जहाँ पर आप GTA 5 जैसे गेम खेल पाए, क्योंकि टेक्निकली जो है पॉसिबल ही नहीं है। आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप के पास जाना पड़ेगा। अगर बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हैं तो फिर आपके लिए उतना समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से जाके जो है लैपटॉप खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड मार्केट से। हर शहर में सेकेंड हैंड मार्केट होता ही है जहाँ पे आपको बेहद ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप कोई गाँव में रहते हैं या फिर छोटे शहर में रहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए तो समस्या होगा। तो आपके लिए ऑप्शन होने वाला है, 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हैं यहाँ पे सेकेंड हैंड लैपटॉप जो है। आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है टू गुड करके, जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलता है अच्छे प्राइस रेंज में, अच्छे क्वालिटी में। तो आप यहाँ पे टू गुड से खरीद सकते हैं या फिर आप कैसीफाई से भी खरीद सकते हैं। कैसीफाई काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, आप लोग जानते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते सस्ते में आईफोन देखने को मिल जाता है। 5,000-5,000 में आपको जो है iPhone 6s, iPhone 7 7,000 में मिल जाता है। तो वहाँ से भी जाके आप लोग जो है बेहद ही आसानी से कैसीफाई से जाके खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनली, और यहाँ पर प्रोडक्ट का क्वालिटी भी A1 होने वाला है। और मेरा फ्रेंड जो है वहीं से खरीदा है इस प्रोडक्ट को, मैं आपको बता दूँ। वो है, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं जाके eBay से। जी हाँ दोस्तों, eBay जो कि जानते होंगे USA यूरोप में चलता है और इंडिया में भी चलता है, बेहद ही पॉपुलर यहाँ पे साइट है। और USA से हमें क्या, काफ़ी सारे लोग लैपटॉप खरीदते हैं, थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं और बेच देते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी में। आप देख रहे होंगे PS5 भी यहाँ पे $100 में मिल जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था $70 में आप किस तरीके से खरीद सकते हैं। एक ऑफर आप जाके विजिट कर सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, eBay पे भी आपको काफ़ी सस्ते सस्ते में MacBook सब देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको Asus का भी एक से एक बेहतरीन बेहतरीन आपको लैपटॉप काफ़ी सस्ते दामों पे देखने को मिल जाता है। तो आप 10,000 के बजट में बेहद ही आसानी से यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर आपको इसको डेप्थ में डिटेल में वीडियो चाहिए, किस तरीके से eBay से बुक करना है, कितना टाइम लगता है, अनबॉक्सिंग के साथ कमेंट कीजिए, प्रॉपर मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो है 10,000 में कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो तो बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन एक्चुअली में हम खरीदें कहाँ से, कहाँ से हमको मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को खरीदना होता है खुद के लिए, गेमिंग करने के लिए, तो आपको ये सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ जो आप अच्छे तरीके से सिंपल सिंप्लीफाई करके, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या फिर आपके घर के आसपास जो है आपके शहर में जो है कोई बड़ा सेकंड हैंड स्मार्टफोन या लैपटॉप सबका मार्केट है, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी आपको अच्छा डील देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप टू गुड से जाके खरीद सकते हैं, जो फ्लिपकार्ट का ही आप समझ सकते हैं, एक सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने वाला वेबसाइट है और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाता है सपोर्ट। आपको बस आप जो अलग अलग ऑप्शन मिलता है वह है यहाँ पर कैसीफाई से भी जाके आप खरीद सकते हैं, और कैसीफाई पर भी प्रोडक्ट का क्वालिटी एवन होता है, प्राइस जो है फ्लिपकार्ट से भी कम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है कैसीफाई से भी जाके खरीद सकते हैं। और आपके पास जो आखिरी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल का देखने को मिल जाता है, वो है ईवे से जाके आप बेहद ही आसानी से खरीद सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे ईवे, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको जो टॉपिक में किसी भी इनमें से कोई भी टॉपिक पे फुल डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए, वीडियो बना के मैं आपके पास जो है प्रस्तुत करूँगा। आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको
कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अच्छे तरीके से समझना ज़्यादा जरूरी है। आप यूट्यूब पर भी जाके सर्च कीजिए ईबे से कैसे फ़ोन को या फिर लैपटॉप को खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन आपको लैपटॉप 10,000 में मिल जाता है, ये बात का आप 100% श्योर रहिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे एक दोस्त खरीदा भी है, लेकिन उसने लोकल ही यहाँ पे स्मार्टफोन जो है मार्केट जहाँ पे आपको कई सारे फ़ोन लैपटॉप मिलते हैं वहाँ से खरीदा है। लेकिन आप लोग जो ईबे से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने जाके रिसर्च किया है तो ईबे सब पे भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।